अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। भैया आपका सो के उठ गया है यार। आज एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि मेरा गैजेट भी चेंज है। पहले मैं मोबाइल से बनाता होता हूँ, आज यार ये DJI Osmo Pocket 1 से बना रहा हूँ। एक दोस्त के पास था, उसने कहा जरा ट्राई करके देखो। आप लोगों ने बताना है कि क्वालिटी में वीडियो कैसी लग रही है, देखते रहिएगा। अच्छा भाई लोगों, आप देख सकते हैं कि मेरा नाश्ता बन के आ गया है। आज हमारे पास चाय और पराठा है। यार भूख बहुत लगी हुई है, इसलिए अब जल्दी जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। अच्छा तो गाइस, अभी आपने देखा कि मैं नाश्ता वगैरह कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया, बड़ा मजा आया है। और अभी बस रेडी होता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कोई 12:30 बजे तक निकलना है। तो अभी रेडी होता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आज भाई कैसा लग रहा है, देखते रहिएगा। अच्छा आप देख सकते हैं कमरे की भी हालत बुरी हुई है। अभी सो के उठा था ना, तो सब कुछ उसी तरह ही पड़ा हुआ है। अभी इसको भी सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा तो यार अब कपड़े भी निकाल लेता हूँ। आज सोच रहा हूँ क्या पहना जाए, देखता हूँ कि आज क्या पहन के जाऊँ। अभी कपड़े निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज क्या पहन के जा रहा हूँ। अच्छा तो भाई लोगों, आज ये ड्रेसिंग कर रहे हैं, टी शर्ट वगैरह पहन रहा हूँ। पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ, सो अब जल्दी से मुंह हाथ धो के फ्रेश होता हूँ और फिर निकलने की तैयारी करता हूँ। गर्मी लग रही थी सो भाई ने शर्ट उतार ली है, और अब आप अपने भाई की वेस्ट में भी लुक देख सकते हैं। अच्छा तो भाई लोगों, भाई आपका रेडी हो गया है, आपने बताना है कि भाई कैसा लग रहा है, ये देख ले। साथ बैग भी एक पकड़ लिया है। बस अब जल्दी से बूट वगैरह पहनते हैं और फिर निकलते हैं। ये रहे बूट, अब बस जल्दी से इनको पहनते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा भाई लोगों, अब निकलने लगे हैं, अब गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं। यार गाड़ी भी बड़ी गंदी हुई हुई है, साफ भी करनी है, लेकिन चलो किसी दिन करेंगे। अभी निकलते हैं, टाइम नहीं है, लेट हो रहा हूँ पहले ही। ये देख सकते हैं यार गाड़ी भी गंदी हुई हुई है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन गंदी हुई हुई है। फाइनली हम निकल पड़े हैं। मौसम यार आज बड़ा गर्म है। ये आप अपने भाई को देख सकते हैं कि ड्राइविंग कर रहा है, और कैमरा मैंने सामने फिट कर ली है। बैकग्राउंड में अपनी फेवरेट सॉन्ग लिस्ट भी प्ले कर ली है। कनाल तक आ गया हूँ, और आज यार रश भी काफी कम ही लग रहा है, क्योंकि वीकेंड है, तो मे बी आज लोग जरा लेट सो के उठेंगे। लाहौर वालों को तो पता ही है कि यार जब कनाल पे रश होता है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हुआ होता है। बस हमारा थोड़ा सा ही सफर रह गया है। अच्छा तो भाई लोगों, हम पहुंच गए जहाँ पे हमने आना था, तो अब बस निकलते हैं। हाँ जी भाइयों, अब हम निकल रहे हैं आगे फोर्ट्रेस की तरफ। तो जरा थोड़ा सा आपको पता है, छोटे होते सिंधबाद वगैरह जाते थे, तो आज जरा सिंधबाद जाने का प्लान है, तो अभी जा रहे हैं, देखते रहिएगा। बंदा फैमिली के साथ आया और विंडो शॉपिंग ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सो अब यार ये कपड़े वगैरह देख रहे हैं, यहाँ भाई ने अपनी व्लॉगिंग की तरफ फोकस किया हुआ है सिर्फ। यार मिरर काफी साफ था, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लेता हूँ अपनी पूरी। अच्छा जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा फोर्ट्रेस आने का मेन मकसद ये था कि हमने सिंधबाद जाना है, और हम सिंधबाद आ चुके हैं। सबसे पहले आके 1600 का कार्ड बनवा के अंदर एंटर हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यार इस टाइम आने का ये फायदा हुआ है कि बिल्कुल भी रश नहीं है, जितना मर्जी एंजॉय करो। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं, इसलिए भाई तो कोई झूला ले नहीं सकता। बाकी यार वाइब्स बड़ी कलरफुल है यहाँ की। अच्छा आप भाई चेक कर रहे हैं कि यार कौन सा ऐसा झूला है कि जो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि आज फुल बच्चों वाली फीलिंग्स आई हुई हैं। बाकी रश ना होने की वजह से ये फायदा हो रहा है कि मैं आराम से वीडियो बना सक रहा हूँ। सो फाइनली सारा फिरने के बाद मुझे एक ये वेंचर ड्राइव मिली है, जिसमें मैं बैठ सकता हूँ।
किसी वक्त में इसका बड़ा क्रेज हुआ करता था, तो बस जल्दी जल्दी बैठते हैं और इसका मजा लेते हैं। अच्छा, अंदर जाते हुए वाकई ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं। सामने लगी बड़ी स्क्रीन हैवी वाइब्स दे रही है। अब ऑटोमेटिकली डोर क्लोज हो रहे हैं। सो हमारी राइड स्टार्ट हो गई है और यार वाकई मजा आ रहा है। मुझे बस खुशी इस चीज की हो रही है कि मैं भी किसी झूले में बैठ सका हूं। वाह यार, यहाँ पे एक डॉजिंग कार टाइप चीज भी मिल गई है जो कि मैं ले सकता हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि भाई बैठ के राइड का फुल मजा ले रहा है। अभी फन स्टार्ट ही हुआ था कि टाइम ही खत्म हो गया हमारी राइड का। अच्छा, ये आप अपने भाई को देख सकते हैं और फोर्ट्रेस में यार बड़ा मजा किया है। सिंध वाद में आपने देखा है फुल एक मजा आया है। मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सका, थोड़ी वीडियो बनाई है, लेकिन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। सिंधबाद से बाहर निकल के दोबारा थोड़ी विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। यार वैसे इस DJI Osmo का काफी फायदा है, एक तो इजी टू हैंडल है और आराम से वीडियो बन जाती है। यहाँ पे पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल है, तो वहाँ भी चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ी सी भाई की जरा हीरोगिरी वाली वीडियो ही हो जाए। अच्छा भाई लोगों, फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में भी इतना कुछ खास नहीं किया, इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं बनाई। चलें अब अपने भाई को इजाजत दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।